चलो सलमान खान बता दो। उसके लिए सिक्स पैक चाहिए। देखो सामने जो सर जी बैठे हैं ना, वो तो 100% अपने आप को धर्मेंद्र समझते होंगे। कौन से? ये पग वाले सर, सिंह साहब जी। हैं मैं क्या जी, मैं सही कह रही हूँ? अरे थोड़ी स्माइल लेनी। देखो सर जी, या लेडीज एंड जेंटलमैन, देखो समझने में कोई बुराई नहीं है, कौन सा कोई हमसे आके पैसे लेके जा रहा है, जो मर्जी समझो। सच्ची गल है भाई, पक्की गल है, सच्ची गल है। सर जी या लेडीज एंड जेंटलमैन, अब यहाँ पे एक और प्यारी सी परफॉर्मेंस यहाँ पे कराते हैं। So ladies and gentlemen, चलिए आगे आप लोगों को एक ऐसा एक्ट हम दिखाने वाले हैं जिससे आज यहाँ पे बैठे हुए लोगों को बहुत कुछ नजर आने वाला है। ये बात तो बिल्कुल सच है क्योंकि ये परफॉर्मेंस जो है, हाँ, इसमें आपके हूबहू फेसेस नजर आएंगे। क्या बात कर रहे हो, सच्ची में ये परफॉर्मेंस कुछ ऐसी है? ऐसी है तो चलिए क्यों ना ऐसी परफॉर्मेंस की शुरुआत की जाए और दिखाया जाए आपको ये धमाकेदार परफॉर्मेंस जिसे कहा जाता है। मैं क्या सोच रहा हूँ दीक्षा, रुको रुको रुको, इस परफॉर्मेंस को बुलाने के लिए ना, हाँ हाँ, थोड़ा सा एक्साइटमेंट तो और बनता है। बिल्कुल, मुझे क्योंकि लोग ना ठंडे हो गए थोड़े से ना, शांति वाला माहौल बना दिया इन लोगों ने, और मुझे लग रहा है कि ठंडे इसलिए हो गए क्योंकि तुम्हारा सवाल नहीं आया एक और। मेरा सवाल नहीं आया एक और? हाँ। क्या बात कर रहे हो, एक और सवाल पूछ। मुझे आज बाय गॉड दीक्षा नहीं लग रही, आज मुझे अमिताभ बच्चन लग रही है, इतने सवाल पूछ रही है। कौन बन रहा है करोड़पति? तुमने तो मतलब मेरी बिल्कुल ही बेइज्जती कर दी, मतलब कोई खूबसूरत सी लड़की या हीरोइन का नाम लेते तो समझ में, अमिताभ बच्चन, मेरा जेंडर ही चेंज कर दिया तुमने। तुम सवाल पे सवाल कर रही हो क्या, करे सनी देओल बोलूं? ये 2.5 किलो का नहीं है, 250 ग्राम का हाथ है, ठीक है? बिल्कुल जी बिल्कुल, लेकिन अब तुम्हारे सवालों के बाद मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा। जी हाँ बिल्कुल। और मेरा सवाल बड़ा आसान सा है, बकरी सबको पता है? सबको पता है, एक बार हाथ उठा के बता दो। हाँ मुझे भी पता है। हाँ इधर वालों को नहीं पता? पता है। ओके, सबको पता है, सबको पता है। हाँ। तो मेरा सवाल जो है, बकरी 5 साल के बाद क्या हो जाती है? बकरी 5 साल के बाद क्या हो जाती है? बकरी रहती है। देखा, दीक्षा के लिए जोरदार तालियां ना बजाएं, मजाक कर रहा हूँ। हाँ जी, बकरी 5 साल के बाद क्या हो जाती है, मैं यहाँ से पता कर लेता हूँ। पहले ना एक बार जोरदार तालियां पा दो जी मेरी वीर जी। छोटा भरा मेरा इतने बैठा है तो मैं इसनों कहूंगा जी, मैनू दसो जी बकरी 5 साल के बाद की हो जाती है? वो स्माइल कर रहे हैं, मैनू लग रहा है बकरी स्माइल कर दी है 5 साल। दसो जी की आंसर की है? हैं जी थोड़ा लाउड बकरी। हाँ तो मैं कह दिता बकरी, बकरी तो आगे तुसी पढ़ना है, बकरी नहीं आगे बढ़ेगी, वो रस्सी है। हाँ जी दसो, बकरी भी रहती है। बेचारा इतना नर्वस हो गया है, कह रहा भाई मेरे फ्रूट्स हाथ में है, खाऊं कि नहीं खाऊं। ठीक है बाबू, ट्राई आप कैरी ऑन करो फ्रूट्स के साथ। हाँ जी, और मैं, हाँ जी सर, पहले तो मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां सर की हेयर स्टाइल के लिए, खूबसूरत लग रही है। ठीक है सर, आंसर बताना है, बकरी 5 साल के बाद क्या हो जाती है? बकरी हो जाती है और क्या हो जाती है? तो मैंने कौन सा सर उसको भैंस बना दिया, मैं भी तो वही पूछ रहा हूँ। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है, साउथ के अन्ना इधर बैठे आइयो, हम हमारे बीच में हमारा साउथ का अन्ना, हम पूछेगा बकरी 5 साल के बाद क्या होता है? वो अस्थि है। हाँ जी बताइए, हलाल हो जाती है? बहुत पॉइंट की बात बोली है, 5 साल बाद सर हलाल तो 1 साल में भी हो सकती है। दीक्षा बड़ी गलत बात है, बकरी हलाल कर दी। आगे एक बच्चा बोल रहे हैं, मैं बताऊंगा आंसर। अच्छा ये भूषण, ये वही लोग होते हैं जो कहते हैं कि सोने की मुर्गी वाली रहती है ना पास में, ज्यादा अंडे देगी अगर उसको मार देंगे तो। सही बात है। हाँ जी बताइए, क्या हो जाती है बकरी? बड़ी हो जाती है। बड़ी हो जाती है कितनी? 6 फुट हाइट, 7 फुट हाइट है जी, 5 साल की जाती है। मैंने कौन सा फारसी में बोल दिया, और मुझे अफसोस के साथ वापस दीक्षा आपके पास आना पड़ रहा है, आंसर मुझे मिला नहीं, तो मैं आंसर बताऊंगा। और आप बात बताओ, बकरी अगर 5 साल पहले बकरी है तो 5 साल बाद भी तो बकरी ही रहेगी ना? अब वही है ना, मैं भी कहूँ मेरे साथ दीक्षा खड़ी है, तुमने प्रूफ ही कर दिया भाई। सुन लो गौर से, बकरी 5 साल के बाद 6 साल की हो जाती है यार, किसी के दिमाग में ये नहीं है, एक ने हलाल कर दिया। अच्छा मैं मानो या ना मानो, मैं दुबई शो कर रहा था, मैंने वहां पर भी ये सेम क्वेश्चन करा, वहां पर इंडियन कम्युनिटी के लोग थे, मैंने उनसे पूछा, एक ने बोल दिया माँ बन जाती है। मैंने कहा भाई तू दुबई बैठ के यही काम कर। राइट, लेकिन लेडीज एंड जेंटलमैन, बकरी 5 साल के बाद 6 साल की रहती, दीक्षा तुम भी याद रखना, ठीक है? हाँ जी। ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, हैंस प्रूव कि हम लोग कितना सोचते हैं, इतना ज्यादा दिमाग चलाते हैं हम लोग, है ना? सही बात कि 5 साल के बाद बकरी बकरी ही रहेगी। हाँ ओके, सो लेडीज एंड जेंटलमैन चलिए बढ़ते हैं आगे
और कराते हैं यहाँ पे एक धमाकेदार परफॉर्मेंस. सो जी हाँ लेडीज एंड जेंटलमैन, नाउ वी ऑल आर सेट टू रॉक दिस इवनिंग एंड लेट मी प्रेजेंट यू दिस. ओके सो चलिए.